गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे वी आर अबाउट क्लास 8, चैप्टर नंबर 3, क्वाड्रिलेटर्स। इट्स अबाउट मैथ्स चैप्टर नंबर 3। फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 2 चैप्टर ऑफ मैथ्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 अबाउट क्वाड्रिलेटर्स। फ्रेंड्स, फर्स्ट वी नीड टू नो दैट व्हाट इज क्वाड्रिलेटर्स, राइट? तो क्वाड्रिलेटर इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ पॉलीगॉन। What is quadrilateral? Quadrilateral is nothing but one kind of polygon. And before we are going to discuss about quadrilateral, we will talk about polygons. First we have to understand what is polygon, then after we will be able to understand quadrilaterals. Okay? तो friends, polygons क्या है? तो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पॉलीगन इज नथिंग बट क्लोज फिगर मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट। याद रखना, क्लोज्ड फिगर, पॉलीगन्स इज क्लोज्ड फिगर मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट, मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट। फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट words for this definition, because we have variety of closed figure made from curves, made from line segment. Here we need a closed figure made from line segment. ऐसी figure जो line segment से बनी हुई है और closed भी है, तब जाके उसको हम क्या कहेंगे? Polygons कहेंगे। तो friends, definition के according हमारी figure कैसे बन सकती है? देखिए, कुछ figure इस तरह से मैं बनाऊं, तो फ्रेंड्स लुक एट हियर, दिस फिगर इज मेड फ्रॉम 3 लाइन सेगमेंट। लुक एट हियर, दिस इज वन, सपोज आई नेम्ड इट एबीसी। तो एबी इज वन ऑफ लाइन सेगमेंट, बीसी इज अनदर लाइन सेगमेंट एंड एसी इज अनदर लाइन सेगमेंट, राइट? सो दिस इज द क्लोज फिगर मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट, दस दिस इज आर पॉलीगन्स, राइट? I draw another example for this. Suppose I draw by this way. Friends, this is polygons. Yes, this is also polygons because this figure is also made from line segment and it is also closed. So this kind of closed figure made from line segment known as polygons. Okay, friends. Suppose I draw by this way. This is also one of figure. Suppose I draw by this way. This is also one of figure. Suppose I draw by this way. This is also one of figure. Friends, now check, verify the difference between these two figures. These are the also one of figures. These are also figures, right? Now, can you judge the difference between these among all these figures? Look at here. Is it polygons? Is it polygons? Is it polygons? Polygons बनने के लिए condition क्या है? Close figure होनी चाहिए, okay? और वो line segment से बनी हुई होनी चाहिए। देखिए, ये close थी और line segment से बनी हुई है, तो ये polygons है। ये भी close है, line segment से बनी हुई है, so this is also one of polygons. But friends, look at here. This is closed. This is closed, but not made from line segment. Line segment से बनी हुई नहीं है, वो एक कर्व से बनी हुई है. Friend, इस तरह से figure बनाते हैं ना, तो ये कर्व होता है. This is called कर्व. Closed figure made from made by two ways. First made from line segment. Another made from curves. अगर वो लाइन सेगमेंट से बनी हुई है तो वी विल से पॉलीगन्स, कर्व से बनी हुई है वी कैन नॉट से दैट इज पॉलीगन्स। इसको हम सिर्फ क्लोज कर्व कह सकते हैं, नॉट पॉलीगन्स, ओके? बिकॉज पॉलीगन्स की फिगर लाइन सेगमेंट से बनी हुई होनी चाहिए। लुक एट हियर, दिस इज द लाइन सेगमेंट बट दिस पोर्शन, लुक एट हियर, दिस इज बीइंग कर्व, सो दिस इज नॉट पॉलीगन, दिस इज नॉट पॉलीगन्स। लुक एट हियर, दिस इज नॉट क्लोज, ये तो यहां से क्लोज भी नहीं है, ओपन है,
और ऊपर से कर्व से बनी हुई है, तो ये भी हमारा पॉलीगंस नहीं है। तो फ्रेंड्स, इज इट क्लियर व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगंस इज क्लोज फिगर मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट। लुक एट हियर, दीज आर टू पॉलीगंस मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट। ओके, कितनी कंडीशन होनी चाहिए पॉलीगंस के लिए? एक, फिगर क्लोज्ड होनी चाहिए, वन। सेकंड, लाइन सेगमेंट से बनी हुई होनी चाहिए, याद रखना ये। और थर्ड कंडीशन क्या है वो आसानी आपको समझ में आता होगा, एंड्स आर कनेक्टेड, मतलब जो एंड्स है, ये एंड्स वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे लाइन सेगमेंट के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, ओपन नहीं होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ओपन था, वैसे तो ये पॉलीगंस है ही नहीं, लेकिन इसको ओपन बोलते हैं, इसके दो एंड्स कनेक्टेड नहीं है, लेकिन पॉलीगंस में है, एंड्स कनेक्टेड होने चाहिए, फिगर क्लोज्ड होनी चाहिए, और वो फिगर लाइन सेगमेंट से बनी हुई होनी चाहिए, तब जाके वी कैन से दिस इज पॉलीगंस, अदरवाइज वी कैन नॉट से दीज आर दी पॉलीगंस। ओके, अब हम फ्रेंड्स देखते हैं कि पॉलीगंस तो क्लियर हो गया, अब पॉलीगंस का क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगंस। पॉलीगंस में कितने टाइप्स आते हैं? ओके, देखिए पॉलीगंस तो लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन लिख देता हूं, राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगंस। तो पॉलीगंस तो क्लियर है, लाइन सेगमेंट से फिगर बनी हुई होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए, और एंड्स उसके कनेक्टेड होनी चाहिए, उसको हम पॉलीगंस कहते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी फिगर है, दोज आर नॉट सेड टू बी पॉलीगंस। ओके, तो एक पॉलीगंस मैं ड्रॉ कर रहा हूं मेड फ्रॉम थ्री लाइन सेगमेंट, दिस इज द पॉलीगन मेड फ्रॉम थ्री लाइन सेगमेंट। देखिए 1, 2 and 3, राइट। I draw another made from 4 line segment. Friends, these are the polygons. देखिए लाइन सेगमेंट से बने जा रहे हैं सब, है ना, तो ये सब पॉलीगंस है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें, कितने लाइन सेगमेंट है? 3 लाइन सेगमेंट, कितने इसमें? 3। इसमें लाइन सेगमेंट कितने हैं? 4। हम यहां पे पॉलीगन का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन लाइन सेगमेंट फ्रॉम विच गिवन पॉलीगन इज मेड फ्रॉम, कि पॉलीगन कितने लाइन सेगमेंट से बना हुआ है उसके बेस पे उसके टाइप्स पड़ते हैं, राइट। यहां पे 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है तो उसका कुछ अलग नाम होगा, लेटर वी विल डिस्कस। नाउ वी हैव 4 लाइन सेगमेंट, पॉलीगन मेड फ्रॉम 4 लाइन सेगमेंट। अब देखते कुछ इस तरह से भी होगा, फ्रेंड्स देखिए, दिस इज द लाइन सेगमेंट, दिस इज द पॉलीगन मेड फ्रॉम 5 लाइन सेगमेंट, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। ओके, आई ड्रॉ अनदर, दिस इज द ऑल्सो पॉलीगंस मेड फ्रॉम 6 लाइन सेगमेंट, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 लाइन सेगमेंट से बना हुआ पॉलीगंस। ओके, अब एक और बनाते हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात, दिस इज द पॉलीगंस मेड फ्रॉम 7 लाइन सेगमेंट। बस अब आगे जाने की जरूरत नहीं, फिर 8 लाइन सेगमेंट का आएगा, फिर 9 लाइन सेगमेंट का आएगा, फिर 10 लाइन सेगमेंट का आएगा, जो आप होमवर्क्स में बनाओगे, राइट, ठीक है। देखिए 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ ये पॉलीगन, ये 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ पॉलीगन, 5 लाइन सेगमेंट, 6, 6 लाइन सेगमेंट से बना हुआ पॉलीगन, 7 लाइन सेगमेंट तक मैंने बनाया है, 8 लाइन सेगमेंट, 9 लाइन सेगमेंट से बना हुआ पॉलीगन, और 10 लाइन सेगमेंट से बना हुआ पॉलीगन आप होमवर्क्स में बनाओगे। ओके, आई होप यू गेट दिस टॉपिक। नाउ फ्रेंड्स, पॉलीगंस मेड फ्रॉम 3 लाइन सेगमेंट इज इट इज सेड टू बी ट्राइंगल। इसको फ्रेंड्स क्या कहेंगे? ट्राइंगल। तो आपको एक और भी बात पता चल गई कि ट्राइंगल भी एक वन काइंड ऑफ पॉलीगंस है। ट्राइंगल भी क्या हुआ? वन काइंड ऑफ पॉलीगन है, लेकिन उसको ट्राइंगल क्यों कहा? बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम 3 लाइन सेगमेंट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ट्राई।
ओके ट्राइंगल, इट मींस पॉलीगन्स मेड फ्रॉम थ्री लाइन सेगमेंट, तो उसका नाम बन गया ट्राइंगल। नाउ पॉलीगन्स मेड फ्रॉम फोर लाइन सेगमेंट, तो फोर लाइन सेगमेंट से बना हुए पॉलीगन्स को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब आपको समझ में आएगा वो तो हमारा चैप्टर है। यस, हमारा जो चैप्टर है वो है क्वाड्रिलेटर, सिर्फ हमें क्वाड्रिलेटर के बारे में ही डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी हम फॉर आर काइंड इंफॉर्मेशन वी विल नो दैट व्हिच व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, व्हाट इज पॉलीगन्स, दैट मस्ट वी मस्ट लर्न अबाउट इट। ओके दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट। सो पॉलीगन्स मेड फ्रॉम फोर लाइन सेगमेंट इट इज सेड टू बी क्वाड्रिलेटरल। ओके नाउ लुक एट हियर फ्रेंड्स, अब जो आगे वाला जो नाम आने वाला है ना बिल्कुल सेम आएंगे, मैं आपको आसानी इजी वे बता देता हूं उसको याद रखने के लिए। देखिए एक दो तीन चार पांच, इसमें कितने लाइन सेगमेंट है, पांच, तो इसको कहा जाता है पेंटागन। क्या कहा जाता है, पेंटागन। सबके पीछे जी ओ एन गन बोलना है क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉलीगन की बात कर रहे हैं, राइट। पेंटा, पेंटा मतलब पांच, याद रखना पेंटा मतलब पांच, गन मतलब क्लोज फिगर। तो पेंटागन इट मींस पॉलीगन्स मेड फ्रॉम फाइव लाइन सेगमेंट एंड दिस क्लोज फिगर इज कॉल्ड पेंटागन बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम फाइव लाइन सेगमेंट। ओके लुक एट हियर, 1 2 3 4 5 6, ये छह लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। दस दिस क्लोज फिगर इज सेड टू बी हेक्सागन, राइट फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड हेक्सागन। सबके पीछे गन गन बोलना है, पेंटागन हेक्सागन आगे भी आएगा, पेंटा मतलब फाइव, हेक्सा मतलब सिक्स। ओके नाउ लुक एट हियर, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने फिगर से बना हुआ है, सेवन लाइन सेगमेंट से बनी हुई फिगर है ये, so it is said to be heptagon। आपको लगता होगा सर ये कहां से आप लाए हो, समझ में ही नहीं आ रहा, उसके नाम ही ऐसे है। पर फ्रेंड्स ये थोड़ा डेप्थ में हम जा रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रिलेटर के बारे में ही पढ़ा है, लेकिन साथ में ऑल अबाउट द ऑल वैरायटी ऑफ पॉलीगन्स वी मस्ट लर्न अबाउट इट, हमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ओके तो पांच से पेंटागन, छह से हेक्सागन, सेवन से हेप्टागन। फ्रेंड उसका दूसरा नाम भी है सेप्टागन, उसको सेप्टागन भी कहा जाता है, याद रखना अगर कहीं ब्लैंक्स में पूछ ले, क्योंकि इसके ब्लैंक्स आएगी फ्रेंड्स, वन वर्ड आंसर आएगा या एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि क्लोज फिगर मेड फ्रॉम फाइव लाइन सेगमेंट इज ब्लैंक, देन वी विल से पेंटागन, मेड फ्रॉम सिक्स देन वी विल से हेक्सागन, सेवन से है तो दोनों नाम है, दोनों राइट है, सेप्टागन भी बोला जाता है और हेप्टागन भी बोला जाता है। अब मैं नाम आपको बता देता हूं, फिगर आपको ड्रॉ करनी है, बस ऐसी फिगर जैसे मैंने बनाई है, अगर सेवन लाइन सेगमेंट से बनाई आपको यहाँ पे एट लाइन सेगमेंट से बनानी है, यहाँ पे नाइन लाइन सेगमेंट से, यहाँ पे टेन लाइन सेगमेंट से, तो एट लाइन सेगमेंट का नाम होगा ऑक्टागन। क्या होगा फ्रेंड्स, ऑक्टागन, ये होगा नोनागन। क्या होगा, नोना नाइन, एन से नाइन, एन फॉर नाइन याद रखना, राइट। और दिस इज डेकागन। ओके फ्रेंड्स, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, इफ पॉलीगन्स इज मेड फ्रॉम थ्री लाइन सेगमेंट इट इज सेड टू बी ट्राइंगल, if it is made from four line segment it is said to be quadrilaterals, if made from five then it is called pentagon, if it is made from six line segment then it is said to be hexagon, if it is made from seven line segment there are two words for these polygons, septagon and heptagon, if it is made from eight line segment it is said to be octagon, if it is made from nine line segment then it is said to be nonagon, and if the closed figure made from 10 line segment, is tarah se 10 line segments agar bana hua hai to we will say decagon. Okay friends, I hope you got entire topic. Now we will talk only about the quadrilateral.
We have already talked about types of polygons. Now we will talk about regular polygons and irregular polygons. वो क्या होता है? Okay, वो देख लेते हैं. Now friends, we will talk about the regular polygons and irregular polygons. हमने polygons के बारे में पढ़ लिया, types of the polygons पढ़ लिया. अब उसमें regular polygons कैसे होते हैं और irregular polygon कैसे होते हैं? तो मैं पहले define समझा देता हूँ आपको. कि उस पॉलीगन्स जिसके पास ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल. रेगुलर पॉलीगन्स में फ्रेंड्स, जो पॉलीगन्स आपको दिया है उसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल मस्ट बी इक्वल. साइड्स और एंगल इक्वल है तो उस पॉलीगन को हम रेगुलर पॉलीगन कहेंगे, राइट? और ऑपोजिट यहां लिखेंगे, यहां पे इफ लिख देता हूं. इफ ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल, it is said to be okay, it is said to be irregular polygon. इसके नीचे लिखा है, आप समझ जाओगे. तो फ्रेंड्स, ऐसा पॉलीगन हुज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, देन दोज पॉलीगन्स आर सेड टू बी रेगुलर पॉलीगन्स. एंड इफ ऑल द साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल, देन दोज पॉलीगन्स आर सेड टू बी इरेगुलर पॉलीगन्स. तो अब देखिए, साइड और एंगल इक्वल कैसे होते हैं? तो मैं आपको एक फिगर बना के देता हूं. फ्रेंड्स, मैंने ये क्या ड्रॉ किया, पॉलीगन्स के ट्राइंगल, दोनों एक ही तो हुआ. ये अगर उसका ओरिजिनल नाम बताया जाए तो ये पॉलीगन्स है ना. लेकिन उसमें भी और क्लियर करना है और वेरीफाई करना है तो हम कहेंगे ये ट्राइंगल है. तीन लाइन सेगमेंट से बना हुआ पॉलीगन जिसको हम ट्राइंगल कहते हैं. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं साइड्स. तीन ऑल द साइड्स आर इक्वल है कि नहीं, एंड ऑल द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. सपोज वी टॉक अबाउट इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, देन सच अ पॉलीगन इज सेड टू बी रेगुलर पॉलीगन्स इफ ऑल द साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल. अगर मैं एक ऐसा पॉलीगन्स बनाऊँ तो ये पॉलीगन्स है, यस. और पॉलीगन में भी कौन है, ये क्वाड्रिलेटरल है. क्या है, क्वाड्रिलेटर, बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम फोर लाइन सेगमेंट, सो दिस इज सेड टू बी क्वाड्रिलेटर. एंड वी नो दैट इफ सपोज दिस इज स्क्वायर, तो वी नो दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, इन स्क्वायर ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, देन स्क्वायर इज ऑल्सो रेगुलर पॉलीगन्स आर पी. दिस इज ऑल्सो आर पी. ओके फ्रेंड्स, तो जिसमें साइड्स, ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसको हम रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं. तो इरेगुलर में कैसा होगा, देखिए. क्या ये पॉलीगन्स है? है, बिल्कुल है. उसमें इसका एग्जैक्ट नाम क्या होगा, लाइन सेगमेंट गिन लेते हैं. एक दो तीन चार पांच, पांच लाइन सेगमेंट से पेंटागन. अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये साइड, ये साइड, ये छोटी साइड से है ना. मेजरमेंट से अगर मैं पूछूं तो फटाफट मेजरमेंट देख के बता सकते हैं, लेकिन शेप को देखते हुए बताना है तो आप देख सकते हैं कि सभी साइड्स इक्वल नहीं है. देन एंड सब ऑल द एंगल्स आर आल्सो नॉट इक्वल, है ना. फिगर से ही पता चलता है कि ये थोड़ी इरेग्युलर जैसी फिगर नजर आ रही है. देखो कितनी शेप में थी, परफेक्ट. ऑल द साइड्स एंड ऑल एंगल इक्वल, तो परफेक्ट दिख रही थी तो रेगुलर. अगर शेप में नहीं दिख रही तो ऑलवेज वो क्या होगा, इरेगुलर ही होगा, राइट? अगर मैं कोई ऐसे फिगर बना दूं, फ्रेंड्स ये क्या हुआ, क्लोज फिगर है. क्लोज फिगर तो है, पॉलीगन्स है, हाँ बिल्कुल है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है. क्या रेगुलर पॉलीगन्स है? ना भाई ना.
रेगुलर पॉलीगन्स तो नहीं है बिकॉज देखिए साइड्स आर नॉट इक्वल, और रेगुलर में तो क्या होना चाहिए, साइड मस्ट बी इक्वल, सो रेगुलर पॉलीगन नहीं है, तो फिर क्या है वो इरेगुलर पॉलीगन है बिकॉज साइड्स आर नॉट इक्वल, तो फिर एंगल देखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। अगर अगर साइड अनइक्वल है तो वो इरेगुलर हो ही गया। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी है, ऑल द साइड्स एंड ऑल एंगल मस्ट बी इक्वल, इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों में से मानो कि ऑल साइड्स इक्वल है और एंगल इक्वल नहीं है तो अभी वो इरेगुलर में जाएगा, राइट। देखिए मैं इसका भी एग्जांपल देता हूँ आपको, ये देखिए ये क्या बनाया मैंने, रेक्टेंगल बनाया, तो रेक्टेंगल में एंगल मस्ट बी 90, दैट वी नो, राइट। तो एंगल तो सभी इक्वल है, बट व्हाट्स अबाउट साइड्स, साइड्स आर नॉट इक्वल, है ना, ये दो इक्वल है, ये दो इक्वल है, लेकिन चारों तो इक्वल नहीं है ना। रेक्टेंगल में ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल, सो दिस इज ऑल्सो इरेग्युलर पॉलीगन्स। अकेली साइड इक्वल होने से या अकेले एंगल्स इक्वल होने से वो रेगुलर पॉलीगन्स नहीं बनेगा। अगर रेगुलर बनाना है तो ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स एक साथ में इक्वल होने चाहिए, तो ही हम इसको क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन, अदरवाइज वी विल से इरेगुलर पॉलीगन्स। ओके, अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कॉनवेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स, वो क्या होता है। कॉनवेक्स एंड कॉनकेव वर्ड्स आपने शायद सुने हुए होंगे, पॉलीगन्स में क्या आता है, कॉनवेक्स एक आता है कॉनकेव। तो फ्रेंड्स कॉनवेक्स पॉलीगन्स किसको कहते हैं और कॉनकेव पॉलीगन्स किसको कहते हैं, देखिए मैं पहले डिफाइन लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं। कॉनवेक्स पॉलीगन्स इट मीन्स ऑल द इंटीरियर एंगल, ऑल इंटीरियर एंगल मस्ट बी लेस देन 180 डिग्री। फ्रेंड्स पॉलीगन्स लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, तो जितने भी इंटीरियर एंगल है वो लेस देन 180 होने चाहिए, एक भी एंगल 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए, सभी एंगल कैसे होने चाहिए, 180 से छोटे। अगर ये है तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉनवेक्स पॉलीगन। और कॉनकेव में क्या लिखेंगे, इफ वन और मोर एंगल्स इज ग्रेटर देन 180 then it is said to be concave polygons। okay, define dekh lo, if the all the interior angles, if all the interior angle less than 180 then we will say those polygons are convex polygon, और इफ वन और मोर एंगल्स, एक या एक से ज्यादा, अगर एक आ गया तो अभी बात पूरी हो गई, वन और मोर देन, वन और मोर एंगल्स इज ग्रेटर देन 180 देन इट इज सेड टू बी कॉनकेव पॉलीगन्स। एक और मैं आइडेंटिटी बता देता हूं इसकी, कि ये तो इसकी प्रॉपर्टी है, ये देख अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो कॉन्वेक्स है। दूसरा बताता हूं, All the angles से बेटर है हम एजेस लिख देते हैं या वर्टाइसिस लिख देते हैं, ऑल द वर्टाइसिस आर outwards, all the vertices are outwards, मतलब जितने भी vertices होंगे, जैसे मैं एक draw करके बता देता हूँ आपको, suppose कर दीजिए कि ये मैंने कोई polygons बनाया हुआ है, तो उसके vertices कितने friends, इसको vertex कहते हैं, क्या कहते हैं, vertex कहते हैं,
तो चारों वर्टाइसिस जो है वर्टेक्स जो है वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, कोई भी अंदर की तरफ नहीं है। मैं यहाँ पे दूसरा समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। सपोज मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ, चलिए अब ये दोनों देखिए एक साथ, इसके एजेस देखिए, ये एज देखिए।